हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका अग्रवाल, लेक्चर इन कॉमर्स फ्रॉम डबल जी ट्रिपल एस हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले हम कर चुके हैं अपना ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या थी, है ना। हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, आई होप आपको याद होगा। हमने पहला फंक्शन थोड़ा सा पढ़ा था, क्या था वो, हमारा प्लानिंग के बारे में था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम टू डू इट, ठीक है। फिर उसको प्रैक्टिकल शेप हमने किस में दी थी, ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ही एक किस्म से हम कह सकते हैं पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप करते हैं, उसमें आप क्या क्या काम करते थे, आप करते थे ना आइडेंटिफिकेशन, काम को देखना कि क्या काम है हमारा। फिर हम उसमें उसको काम को छोटे 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 हिस्सों में बांट देते थे, ठीक है। फिर हम उसका क्या करते थे, फिर हम उसमें उसको डिपार्टमेंट्स में बांट देते थे। डिपार्टमेंट्स में बांटने के बाद हमने लोगों को काम दिया, असाइनिंग ड्यूटीज की, है ना। और ड्यूटीज के बाद हमने एक मेन काम किया, वो क्या था हमारा, रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो लोग जिस पोजीशन पे हैं उनके पास क्या राइट्स, क्या ड्यूटीज हैं, कौन लोग उनके अंडर होंगे। ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट कितना है, देखिए इसकी इम्पोर्टेंस का आपको बता रहे हैं पीटर एफ ड्रकर। क्या बताते हैं वो पीटर एफ ड्रकर? पीटर एफ ड्रकर कहते हैं द रोंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस। क्या कह रहे हैं वो? वो बता रहे हैं कि अगर आपने गलत स्ट्रक्चर बना दिया तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकती है। और बिजनेस परफॉर्मेंस ही खराब नहीं हो सकती, बल्कि वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, एंड मे इवन डिस्ट्रॉय। मतलब देखिए कि अगर आपने एक छोटी सी गलती की, छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती है वो, कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने में जरा भी गलती की, जरा भी अगर आप चूक गए, तो फिर आपका काम खराब हो गया और आप अपने बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ साथ बिजनेस को भी डुबो सकते हैं पानी में। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हड्डियां होती हैं, उनके बिना एक शरीर, ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर सकती, अच्छे से रन नहीं कर सकती। तो ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है, और ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हमारा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखा आपने कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो इसमें कितना इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हुआ, उसमें जो भी हमारे पोजीशंस क्रिएट हमने की, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसी को हमें देखना होता है। लेकिन ये भी एक ये नहीं है कि जैसे कई बार होता है ना कि एक रूल हो गया और उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अब जैसे अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग जॉब नेचर है, अलग अलग जॉब नेचर होगी तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो भी हमारा क्या होता है, बिल्कुल अलग ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए कि कोई मान लीजिए कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन मस्ट है। लेकिन जो सिर्फ ट्रेडिंग का काम करती है तो उसके लिए तो प्रोडक्शन मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उसने तो बाजार से रेडीमेड माल लेना है और दूसरे को परचेज कर देना है, तो वहां पे उसके लिए उस चीज वो मैटर नहीं करती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हम मैनेजरियल फंक्शंस भी लेते हैं, एज वेल एज हम उसमें नॉन मैनेजरियल फंक्शंस को भी लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ी ना है कि हम सिर्फ ऊपर वाले लेवल्स को देखते चले जाएंगे, नीचे वाले लेवल को नहीं देखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है ना, वो पूरा बनता है, वर्कर से लेकर ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक वो सारा का सारा बनता है। तो इसलिए हमारे इसमें मैनेजरियल भी आते हैं और नॉन मैनेजरियल भी आते हैं। चलिए अब हर्ले ने इसकी डेफिनेशन दी है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हर्ले बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द वेरियस पोजीशन इन अ फर्म। वो क्या बता रहे हैं कि जो फर्म में वेरियस पोजीशंस हैं, जैसे कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है ना, उनके बीच में रिलेशनशिप का वो पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है। एंड अमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजीशंस,
अब देखिए खाली पोजीशन किससे बनेगी, जब उस पोजीशन पर लोग होंगे तो अब उस पोजीशन पे अगर हमारी मैनेजर की पोजीशन है तो उस पे कोई होगा, है ना, वर्कर की है तो वर्कर पे कोई होगा, अब वो उसका मैनेजर ऑफकोर्स उसका बॉस होगा, वर्कर उसके नीचे काम करेगा, सुपरवाइजर है तो वो मैनेजर के नीचे होगा लेकिन वर्कर से क्या होगा, वो ऊपर होगा। तो मींस कि जितने भी लोग हैं जो वो हैं, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप देखना, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी उनकी पोजीशंस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को डिसाइड करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हबले। हमें एक चीज और यहाँ पे देखनी है, वो होता है वर्ड यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या चीज है, देखिए हमें ये देखना है कि एक मैनेजर है, अब एक मैनेजर मान लीजिए कि ए एक मैनेजर है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कितने लोगों को एक टाइम में देख सकता है सही से, कितने लोगों को वो काम के बारे में बता सकता है, कितने लोगों की वो रिपोर्ट देख सकता है, वो चीज चेक करना कि वो कंट्रोल कितने लोगों का अच्छे से कर सकता है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, हम इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल्ड बाय मैनेजर, और जो भी एक पर्सन है, ठीक है, कि अगर हम एक बार में कितने लोगों को वो कंट्रोल कर सकता है, और नॉर्मली जो ये होता है वो होता है आपका 5 to 6 पीपल, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी हम कुछ भी करते हैं तो उस चीज का एक आइडियल होता है, है ना। तो यहाँ पे इसका आइडियल हमारा कितना है, 5 to 6 पीपल, हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी एक इंसान है वो 5 से 6 लोगों को जो है ना वो अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, वो उनकी अच्छे से देखभाल भी कर सकता है, उनका काम भी चेकआउट कर सकता है, उनको कोई गाइडेंस की जरूरत है तो वो उनको बकायदा गाइड भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजाइंस, फॉर्म्स, या हम इनको कह सकते हैं टाइप्स। अब ये एक ही है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है। अब जैसे क्या है कि आपके घर में आपका कुछ नाम है, आपको आपकी मम्मी जो है वो किसी और नाम से बुलाती हैं, पापा किसी और नाम से बुला लेते हैं प्यार से, फ्रेंड है वो किसी और नाम से बुलाते हैं, तो क्या आप चेंज हो जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, नहीं, आप तो वही रहते हैं ना, सिर्फ नाम अलग है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर भी, क्या है, सिर्फ नाम अलग है लेकिन एक ये टाइप ही है, हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको डिजाइन भी कह सकते हैं, हम इनको फॉर्म्स भी कह सकते हैं, और थर्ड वन हम इनको क्या कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसके कई प्रकार होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है, उसके बेसिस पर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि वो क्या चीज चलेगी, उसके ऊपर कौन सा टाइप अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। मोटे मोटे तौर पर अगर हम इनको देखें तो फंक्शनल हमारा क्या चीज हो जाता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फंक्शनल, फंक्शंस के बेसिस पर, मींस कि हम जितने भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो काम हो रहे हैं, कामों के आधार पर जो हम अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और जनरली जो ये हमारा यूज होता है जब हम कभी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिर्फ सिंगल अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम इसको यूज करते हैं, जबकि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है इसका, एक डिपार्टमेंट। जैसा मैंने बताया कि नाम कई हो सकते हैं लेकिन मतलब वही रहता है, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या नाम है, डिविजनल या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, मीन्स मिनिमम 2 अगर आपके प्रोडक्ट हैं, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। समझ आ गई बात आपको, तो क्योंकि जो फंक्शनल है वो सिर्फ एक के ऊपर चलेगा, जो हमारे काम दिए गए हैं उनके बेसिस पर चलता है। अब चलिए हम डिटेल में हम करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना,
एक अगर आपको ध्यान होगा, आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, टेलर ने दिए थे, ध्यान आया कुछ? उसमें एक उन्होंने दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने एक दिया था कॉन्सेप्ट, दिया था उन्होंने एक दिया था, उनका नाम था वो फंक्शनल फॉरमैनशिप। याद आया कुछ? फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक फॉरमैनशिप भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या चीज थी हमारी, इसमें इन्होंने इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक को उन्होंने बताया प्लानिंग मींस, ठीक है, दूसरे को उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन। अब इन प्लानिंग में भी फर्दर इन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोडक्शन में भी चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे यहाँ पे था कि रूट जो होगा, टाइम एंड कोस्ट क्लॉक बना दिया, है ना, डिसिप्लिन बना दिया। तो ऐसे प्लानिंग करने में उन्होंने तीन चार चीजें बना दी। इसी तरह से उन्होंने प्रोडक्शन वालों को भी कर दिया था, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर इंस्पेक्टर। मींस कि वो कहते थे कि काम जो है ना, उस काम को करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लोगों को दे दो, उनको स्पेशलिस्ट को, ताकि वो काम अच्छे ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने ये काम किया था यहाँ पे। तो अब एक चीज नोटिस की आपने यहाँ पे, ये जो उन्होंने फंक्शनल फॉरमैनशिप दी थी एफ डब्ल्यू टेलर ने, ये सिर्फ कहाँ पे यूज हो रही थी, लोअर लेवल पे, है ना। लेकिन जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोअर पे भी यूज होगा और एज वेल एज हमारा किस पे भी यूज होगा, टॉप पे भी। मींस दोनों ही जगह वो यहाँ पे यूज होगा, उसमें दोनों ही चीजों का हम देखते हैं कि क्या हमें करना है, कितने हमारे जो काम है, कौन किसके नीचे है, किन कामों को हमें किसी तरीके से कैसे बांटना है, ठीक है। तो चलिए इसका अभी हम एक डायग्राम देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम उनकी डिपार्टमेंटाइजेशन करके और हम उसको कैसे उस चीज को समझते हैं। तो देखिए अब हम इसको डायग्राम की तरह से कर रहे हैं। जब एक कंपनी होती है तो कंपनी में सबसे ऑनर कौन है, शेयर होल्डर, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, ये कंपनी के क्या है, मालिक है। अब कंपनी के मालिक क्योंकि दूर दूर फैले हुए हैं, वो अपने आप काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो अपने क्या चूज कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कई सारे हो गए, फिर उसके नीचे एक दिया जाता है सीईओ। सीईओ हमारा क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि अब ये कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, सब डिसीजन वगैरह ले रहा है, बहुत सारी चीजें ये संभाल रहा है, सीईओ कंपनी में इसका एक बहुत मेन रोल होता है। अब देखिए सीईओ ने क्या किया, कि जो सीईओ है उसके बाद कंपनी के डिपार्टमेंट बांट दिए गए। कंपनी के मेन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, चौथा पर्सनल डिपार्टमेंट। काम क्या क्या करेंगे भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन का काम करेगा, जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड गतिविधियां होंगी वो उसको देखेगा, है ना, कि रॉ मटेरियल लाना है, कितना बनाना है, कितना स्टॉक में रखना है, वो सारा कुछ देखेगा उसको। मार्केटिंग वाला क्या करेगा, सेल को देखेगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह देखेगा, कितनी हमने कहाँ पे सेल करनी है, कितने हमारे स्टैंडर्ड्स फिक्स थे, क्या उसके अकॉर्डिंग हुआ नहीं हुआ, सब देखना है। तीसरा फिर कौन सा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारा पैसे का हिसाब किताब देखेगा, पैसा तो वही मेन चीज है ना, कि कितना हमारे पास लोगों में उधार है, कितनी हमने लोगों को पेमेंट्स करनी है, ये सब फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। फिर आता है पर्सनल डिपार्टमेंट। अब पर्सनल डिपार्टमेंट क्या देखेगा, जितने हमारी कंपनी में लोगों की जरूरत है उस चीज को देखेगा। तो मींस हमने क्या किया, अब फंक्शनल के बेसिस पे हमने अपनी कंपनी के जितने काम थे उनको हमने क्या कर दिया, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन चार पार्ट्स में अगर आपको जरूरत लग रही थी तो आप फिर से इनका फर्दर वो कर सकते हो। अब जैसे प्रोडक्शन वाला है, उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कोई माल की रॉ मटेरियल की परचेज करेगा, है ना, फिर कोई स्टॉक को देखेगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो मतलब इस तरीके के काम कर सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप फिर क्या देख सकते हैं कि हमने इसमें अलग कैटेगराइज कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक सेल डिपार्टमेंट बना दिया कि जो सेल को देखेगा, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत जरूरी है, और तीसरा हमने बता दिया मार्केटिंग
रिसर्च के बारे में कि लोग क्या कौन सा प्रोडक्ट पसंद करते हैं, किस एरिया में है, इससे रिलेटेड भी तो हमें सारी रिसर्च करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा सारा काम करता है। तो आइए अब हम चलते हैं इसकी एडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब इसमें क्या किया जाता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कामों के बेस पे हमने कामों को बांट रखा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एक वैसे ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, बार बार उन्हीं लोगों से काम करवाना, तो ऐसा ही इसमें हो रहा है। तो उससे हमारे को क्या फायदा मिल रहा है, यहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन के फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि जब स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो काम भी जल्दी होता है और अच्छा भी होता है। दूसरी चीज अब इसमें क्या आ जाती है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। देखिए, हरेक को हरेक का काम दे दिया गया। अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए हैं, सबको एक उद्देश्य दे दिया गया है, तो अब उनमें आपस में भी क्या हो जाता है, तालमेल हो जाता है उसमें भी, तो वो काम को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को उनकी ड्यूटीज भी पता है और उनकी अथॉरिटीज भी पता है। फिर आता है मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। अब देखिए, जब काम को हमने बांट दिया, काम भी अच्छे से किया जा रहा है, स्पेशलाइजेशन का भी हम फायदा उठा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी हमारा बहुत अच्छा है, तो उससे जो हमारी मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाती है, ठीक है। फिर आता है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। अब ट्रेनिंग कैसे फैसिलिटेट हो रही है इसमें, ट्रेनिंग देखो, क्योंकि हमने काम क्या दिया, हमने लोगों को थोड़ा थोड़ा काम दे रखा है, उसी काम पे फोकस हमने कर रखा है। अगर किसी को कोई काम नहीं आता या हम अपने तरीके से करवाना चाहते हैं, तो हम उसे एक तो हम आपको पूरा का पूरा कितना करवा रहे हैं। अब जैसे आप 10th तक पढ़ते थे, तो 10th तक पढ़ते हुए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपकी किसी भी पर्टिकुलर में कमांड नहीं बनती है ना, आप सबके बारे में थोड़ी 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 नॉलेज ले रहे हैं। अब एक आपको कॉमर्स की आपने लाइन चूज कर ली है, तो अब आप सिर्फ कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है कि आप एक लिमिट एरिया हो गया कि कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपको उसी से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी नॉलेज उसमें और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको सब सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको किसकी तरफ ध्यान देना है, कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना है। इक्वल वेटेज ऑफ ऑल फंक्शंस, यहाँ पे जितने भी काम होते हैं उनमें सभी में बराबर की वेटेज दी जाती है। ये नहीं होता कि किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, कंपनी में जितने काम है सभी को इम्पोर्टेंस बराबर की दी जाती है। एंड द लास्ट इज मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जो एफर्ट्स हैं जो हमारे, वो भी हमारी डुप्लीकेसी नहीं होती, क्योंकि जब काम पहले से बटा हुआ होता है तो हमें डर नहीं होता कि वो कामों की दोहराई होगी। अगर क्या है कि काम नहीं दिया गया, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो दो लोग भी वही काम कर रहे हैं और दो लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज भी खराब जाएंगे, काम की भी डुप्लीकेसी होती रहेगी, वेस्टेज भी हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें जब क्योंकि हर चीज आपकी क्लियर है, तो यहाँ पे फिर जो एफर्ट्स हैं वो डुप्लीकेसी उसमें नहीं आती है। अब देखिए, जैसा कि हर चीज के अगर एडवांटेजेस हैं, तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है ना। गुलाब का फूल है, खुशबू देता है, तो उसके साथ कांटे भी हैं, वो भी चुभने का डर रहता है। तो कोई भी चीज अपने आप में कभी भी परफेक्ट नहीं होती, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब स्टूडेंट्स, हमारा आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पहली है इसमें हमारी इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब क्या है इसमें कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, ठीक है, कंपनी का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको बांट के उसको पूरा करने के लिए और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिए जाते हैं, उसी के बेस पर हमने अपने डिपार्टमेंट्स भी बांट रखे थे। अब लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, वो क्या सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अपना जो है ना डिपार्टमेंट बढ़ाना है, जो कि कंपनी के लिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो इसे बहुत दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब एक परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है ना, अब इन दोनों के मैनेजर अगर आपस में नहीं बातचीत करेंगे कि कितनी परचेज है, कितनी सेल है, फाइनेंस उसमें कितना चाहिए, तो आपस में सबका मिलके जुल के बात करना तो बनता है,
लेकिन अगर उनका आपस में तालमेल ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे इनमें आपस में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करते, उनका अपना पर्सनल उस पे आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे उनके हितों में भी संघर्ष है। मेन चीज उनको क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं अब लेके चल रहे, वो अपने डिपार्टमेंट को मान के चल रहे। उनके लिए उनका डिपार्टमेंट ही जो है ना वो सब कुछ हो गया है। अब उन्होंने जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो कहते हैं हमें डिपार्टमेंट को ही आगे बढ़ाना है, हमें नहीं मतलब कि आगे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जब उनकी ऐसी सोच बन जाती है तो ये जो होता है हर्डल इन कम्प्लीट डेवलपमेंट। तो क्या इससे पूरी एक फर्म का विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा इससे फर्म का विकास, क्योंकि देखो जब तक जहां पे आपस में तालमेल नहीं होता ना, तो वहां पे कोई काम नहीं हो सकता। तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपस में तालमेल हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखा जाए, आपस में कोई कंफ्लिक्ट उनके नहीं होने चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाकर एक जो संस्था है उसका विकास होता। तो अब हमारा इसका लास्ट में इसमें क्या आता है, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, सुटेबल कहाँ रहेगा, कहाँ के लिए जरूरी है। सबसे पहला जरूरी कहाँ पे है, अगर हमारा जो बिजनेस कंसर्न है वो काफी लार्ज हो, अगर लार्ज बिजनेस कंसर्न है तो हमारे को क्या फायदा रहता है कि हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें हमें कहाँ जरूरत है, जहां हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है ना, स्पेशलाइजेशन अगर हमें चाहिए तो ही हमें इसका फायदा है, वरना हमें इसका फायदा नहीं है। तीसरा इसकी कहां पे जरूरत है हमें, जहां पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, कि अगर हमारे पास काम ज्यादा है तो हम अपने उनको सबऑर्डिनेट्स को दे, लेकिन साथ में हम अथॉरिटी भी दे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी में पूरे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अब हमें कहां पे उसमें चाहिए कि जहां पर अगर हम सिंगल प्रोडक्ट, अगर हम सिंगल प्रोडक्ट को कर रहे हैं तो भी हमारा फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुटेबल रह सकता है। मींस ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो फिर हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा, फिर हमारे लिए आ जाएगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जैसा मैंने कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम एक एग्जांपल की तरह से समझेंगे। देखिए मैंने इससे पहले भी अभी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जांपल दिया था, शेयर होल्डर हमारे क्या हैं, कंपनी के ऑनर थे, याद आया अभी किया है हमने। शेयर होल्डर काम नहीं संभाल सकते, वो किसको दे देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से भी एक नॉमिनेट पर्सन होता है, दैट इज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चक्कर क्या था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहाँ यूज होता था, जहां कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है वहां यूज होता था ना। मान लीजिए कि कंपनी जो बना रही थी कार बना रही थी, अब कंपनी अगर कार बना रही थी तो उसके क्या थे, चार फर्दर क्या थे, एक वो बनाएगी प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा हो गया उसका मार्केटिंग, तीसरा हो गया फाइनेंस, और चौथा हो गया उसका पर्सनल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने प्रोडक्शन का काम देखना है, मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग का, फाइनेंस वाले ने फाइनेंस का, और पर्सनल वाले ने जो है वो वर्कर्स के रिलेटेड देखना है, ठीक है, ये काम हो गया। चलिए अब कंपनी अगर एक प्रोडक्ट बनाती तो यहाँ पे क्या यूज होता, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी बना रही है दो प्रोडक्ट बना रही है, एक बना रही है कार, दूसरा बना रही है स्कूटर। अब यहाँ पे क्या होगा डिविजनल उसमें, कि अब वही सारे डिपार्टमेंट्स दूसरी यूनिट के लिए भी होंगे, जैसे कार के लिए थे ना चार थे, ऐसे ही स्कूटर के लिए भी होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसका अलग होगा, मार्केटिंग इसका अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका अलग होगा, एंड पर्सनल डिपार्टमेंट भी जो होगा वो इसका अलग से होगा। समझ आ गया कि बिल्कुल वही काम जो है वो डबल उसमें हमारा सारा का सारा होगा। वहां पे एक प्रोडक्ट था, एक ही बार डिपार्टमेंट बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ही डिपार्टमेंट्स हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बार 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 हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक इसमें आपको फर्क भी अच्छे से पता चल गया। अगर आप इनको सब कैटेगराइज करना है तो आप इनको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं,
कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो आगे फर्दर परचेज में देख सकता है, स्टॉक में देख सकता है कि किसको क्या करना है ना। मार्केटिंग वाला आगे अपने एडवर्टाइजिंग को देख सकता है, सेल को देखेगा। अब यहाँ पे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो सिर्फ स्कूटर की देखेगा, यहाँ वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसको देखेगा, कार को देखेगा। तो ये हमारा इसका अलग से हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका फायदा क्या है। पहली चीज आती है डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग डिवीजन के अलग अलग हेड बना दिए गए। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कंपनी जो है वो दो चीजें बना रही है, एक कार और एक स्कूटर, है ना। अब कार और अगर वो स्कूटर अलग अलग बना रही है तो आपने देखा था क्या कि उनके डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग थे, प्रोडक्शन मार्केटिंग सब कुछ उनका अलग था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब जो कार वाला हेड होगा वो कार वाली सारी एक्टिविटीज देखेगा, स्कूटर वाला जो होगा स्कूटर वाली सारी एक्टिविटीज देखेगा, तो उसमें स्किल्स भी जो होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे। दूसरा फायदा क्या है, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। सिर्फ कार के जो है कार का प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा, उसमें स्कूटर का नहीं देखा जाएगा। स्कूटर वाला अगर हम लेंगे तो स्कूटर का प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा, कार का नहीं पूछ लेंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग जल्दी भी हो जाएगा, एक तो पूरी फर्म का दोनों का हम लें कि भाई कितना रिसोर्सेज है, कितने हमने क्या करना है, आगे किसको लॉस हो रहा है, किसको बंद करा जाए, किसको खोला जाए, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग अलग है, कार से रिलेटेड कार की है, स्कूटर से रिलेटेड स्कूटर की है, तीसरा अगर होता बाइक से रिलेटेड तो बाइक का वो भी हम अपना अलग ही देखते, तो जल्दी हो जाता है। एंड द लास्ट इज इजी एक्सपेंशन, यहाँ पे बढ़ाना भी आसान है। अब जैसे मान लो हम चाहते हैं कि बाइक अगर हमने इंट्रोड्यूस करनी है मार्केट में तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना हमने कार को छेड़ना ना हमें स्कूटर को छेड़ना, हमने किसको लेना है, बाइक को लेना है। बाइक से रिलेटेड हमें सारा का सारा डिपार्टमेंट भी अलग से चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमें किसी को छेड़ने करने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको जो है एक्सपेंड भी वो क्या कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं। जैसा कि एडवांटेजेस के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या क्या है इसके, देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो डिविजनल हेड है हमारे, जैसे अभी मैंने बताया था कार का स्कूटर का बाइक का, तो कार का हेड अपने लिए लड़ेगा, स्कूटर का अपना स्कूटर वाला सोचेगा। इनमें से मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखते, सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, जो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। दूसरा इसका नुकसान क्या हो जाता है, डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस। अभी हमने देखा था कि कार में था अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे ना, प्रोडक्शन भी अलग था, मार्केटिंग भी अलग था, है ना, थे ना दोनों के, कि देखो दोनों ही अगर कार है स्कूटर है, क्या उनमें एक एक था, इसके भी चार पार्ट थे, कौन कौन से थे, प्रोडक्शन अलग से होगा, एक कार का होगा एक स्कूटर का होगा, मार्केटिंग दोनों के थे, ये भी दोनों डिपार्टमेंट थे, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, ऐसे ही जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो भी अलग अलग था, तो उससे काम क्या है दोबारा दोबारा हो गया। एंड द लास्ट इज सेल्फिश एटीट्यूड, यहाँ पे उनका एटीट्यूड भी सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का भला सोच रहे हैं, अपने डिवीजन का भला सोच रहे हैं। वो सोच रहा है कि अगर कार वाला सोच रहा है मुझे सिर्फ कार को बढ़ाना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि स्कूटर को बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, या फर्म को लॉस हो रहा है या नहीं, उसने अपने डिपार्टमेंट को बढ़ाना है, अपने डिवीजन को बढ़ाना है। तो अब नेक्स्ट बात आती है फिर ये सुटेबल कहाँ रहेगा, डिविजनल जो है वो सुटेबल रहेगा कहाँ। सुटेबल वो रहेगा वही बात कि अगर आपका कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर आपका लार्ज बिजनेस है वहां ठीक रहेगा, जहां मोर देन टू प्रोडक्ट्स हैं, या मोर देन आप कह सकते हैं वन प्रोडक्ट है, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको लेना ही लेना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज कि अगर आपको डिफरेंट टेक्निक्स की जरूरत है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को आप अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।